लोग का फिर से स्वागत करती हूँ। तो हमारे चैनल सक्सेस मंच पे हम लोग करंट अफेयर की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें आज है 22 जून और देख लेते हैं देश और दुनिया में क्या नया हुआ, क्या स्पोर्ट्स की जगत में नया हुआ और क्या हुआ हमारे इकोनॉमिक में उतार चढ़ाव। तो इससे पहले जो व्यूवर्स नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेन्स से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हमारे चैनल पे चलाई जा रही हैं और 2 से 3 महीने के अंदर मैं मेन्स का पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज भी मेन्स से रिलेटेड GS1 से रिलेटेड वीडियोस आएंगी, तो इसके लिए चैनल को ऐसे ही देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं आज के कौन से करंट अफेयर्स हमारा वेट कर रहे हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री की मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर हैं? तो ये है हमारे 9वें स्थान पर। फोर्ब्स द्वारा जारी जो रियल टाइम बिलियनियर दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में रिलायंस के जो मुकेश अंबानी है वो 9th पोजीशन पे हैं और उनकी नेटवर्थ अब 64.6 अरब डॉलर हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो में 24.71% हिस्सेदारी बेचकर 1,68,818 करोड़ रुपए कमाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बाजार पूंजीकरण के लिहाज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में शामिल हो चुका है? बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ये। तो ये है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के द्वारा, इसमें 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के बाद BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 10वें स्थान पर यहाँ पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिजोरम सहित देश के कितने राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है 8 राज्यों में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो किरण रिजिजू हैं इन्होंने आइजोल मुआलपुई इलाके में राजीव गांधी खेल परिसर में स्थित आइजोल खेल अकेडमी को देश के उन 8 केंद्रों में शामिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस के विवादित विज्ञापन को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है? तो ये किया है फेसबुक ने इनके जो विवादित विज्ञापन है उनको अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया, जिन पर लाल रंग के उल्टे त्रिकोण का इस्तेमाल किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में वीडियो गेम्स की एक्टिविटी में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? तो घर पे लोग वीडियो गेम ही खेल रहे हैं तो ये हुई है 75% की बढ़ोतरी, जबकि ऑनलाइन गेमों के लिए दुनिया भर में 80 लाख डेली लॉगिन हो रहे हैं। पिछले वर्ष 25,000 ई स्पोर्ट्स खिलाड़ियों ने 1,728 करोड़ रुपये इसमें जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मैंने भी लास्ट टाइम आपको जो आज का इतिहास की हमारी सीरीज चल रही है उसमें भी बताया था कि विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोनों मनाया जाता है 21 जून को। विश्व संगीत दिवस को फेटे डी ला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को योग का अभ्यास कराने के कई फायदे के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन ने पॉपुलर फेयरनेस प्रोडक्ट की बिक्री मिडिल ईस्ट और किस महाद्वीप में बंद करने की घोषणा की है? तो ये किया है इन्होंने एशिया महाद्वीप के लिए। हाल ही में हुए नस्लीय असमानता पर वैश्विक डिबेट के कारण कंपनी ने ये फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने COVID-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटका बैंक ने। इन्होंने हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की। अगर हम कर्नाटका की बैंक की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 18 फरवरी 1924 को हुई थी। कर्नाटक मैंगलोर में इसका मुख्यालय है और MD CEO है महाबलेश्वर MS। टैगलाइन है इसकी योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपना कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल दिया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर राज्य ने इसका नाम रखा है कृषि उत्पादन किसान कल्याण विभाग। जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, पहले ये राज्य था बट अनुच्छेद 371 खत्म होने के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और इसके जो उपराज्यपाल हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है वोल्कन बोजकिर। इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र का सितंबर 2020 से जो आरंभ होगा उसका सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हाल ही में कुबाट बेट बोरोनो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं किर्गिस्तान के। किर्गिस्तान जो है एशिया में स्थित है, इसकी राजधानी है बिश्केक। किर्गिस्तान की मुद्रा है किर्गिस्तान सोम और राष्ट्रपति हैं इसके सूरोनबे जीनबेकोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये दोनों बने हैं सुनील छेत्री और सौरभ गांगुली। ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर बने गए। BCCI की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हिंदी में कहते हैं इसे, और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस की इस वर्ष थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। इसमें 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। चलिए आगे बात करेंगे। तो आज की करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, अपना प्यार ऐसे ही हमें देते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच। जननी।